हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। सो दिस ईयर वैलेंटाइन डे पे आई केम अक्रॉस ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हियर इन चेन्नई। यहाँ पे एक आद्यर आनंद भवन बोल के एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हर साल वैलेंटाइन डे पे एक स्पेशल तरीके का डोसा मिलता है, उसको ब्लैक डोसा बोलते हैं। नॉर्मली जो वैलेंटाइन डे होता है वो कपल्स के लिए होता है, कपल लोग या फिर जो लोग कमिटेड है वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। बट वहाँ पे ऐसा एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है कि जो सिंगल लोग है, जो कमिटेड नहीं है या फिर रिलेशनशिप में नहीं है, वो लोग भी, उनको भी सेलिब्रेट करना चाहिए। तो उन लोगों को सेलिब्रेट करने के लिए ऐसा एक ब्लैक डोसा स्पेशली उस टाइम पे मिलता है। ये जो ब्लैक डोसा है ये 10th फरवरी से 16th फरवरी तक ही मिलता है, इतने दिन ही अवेलेबल होता है। अगर इस टाइम पे या फिर बाकी के दिन आप जाएंगे तो ब्लैक डोसा नहीं मिलेगा आपको। सो ये कॉन्सेप्ट जानने के बाद मुझे बहुत ही, मतलब एक नया चीज़ जानने को मिला, तो एक अंदर से एक इच्छा थी कि मैं भी एक बार ट्राई करके देखूं कि ब्लैक डोसा कैसा होता है। सो मैं घर पे ही बनाने जा रही हूँ ब्लैक डोसा, एंड एकदम शुरुआत से आई विल प्रिपेयर इट फ्रॉम द स्क्रैच। सो शुरू से एवरीथिंग, एवरी डिटेल आई विल शेयर विथ यू पीपल। सो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी। ऑलरेडी मैंने दाल एंड चावल भिगो के रख दिया है, उसका भी मैं एक रिकॉर्ड क्लिप ली थी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। सो ठीक है, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। हम बनाएंगे ब्लैक डोसा एंड इनको खिलाएंगे, ही विल बी माई जज। सो मुझे भी, मैं भी कभी टेस्ट नहीं की हूँ, इंटरनेट से ही उसका रेसिपी मैं मतलब देखी हूँ, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। एंड एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि इसमें बहुत मेडिसिन प्रॉपर्टी भी होता है। चारकोल से ये बनता है, तो चारकोल जो होता है डिटॉक्स करने में, बॉडी को डिटॉक्स करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये डोसा खाने से आपका बॉडी डिटॉक्स होता है। एंड ऐसा भी बोला जाता है कि 1 वीक में, यानी कि एक हफ्ते में एक ही ब्लैक डोसा आपको खाना है, इससे ज़्यादा आप नहीं खा सकते, वरना आपका न्यूट्रिशन लॉस भी हो सकता है बॉडी का। सो ये बात का भी ध्यान रखना है, सोचा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों को बता दूँ। सो ठीक है, चलते हैं डोसा प्रिपरेशन के तरफ। ठीक है, आर यू एक्साइटेड? ब्लैक डोसा, नो फॉर ब्लैक डोसा, इंटरेस्टेड फॉर व्हाइट डोसा ओनली। ब्लैक डोसा होगा एंड व्हाइट डोसा भी खाने को मिलेगा इनको। सो यस गाइस, ये देखिए मैं एक छोटा सा ग्लास नाप के लिए ली हूँ, एंड इस ग्लास से 5 ग्लास चावल ले रही हूँ। ये जो चावल है ये चेन्नई में इस तरह का एक इडली राइस बोल के एक ऐसा मिलता है, उड़ीसा में तो मैं कभी नहीं सुनी ऐसा मिलता है बोल के। आप नॉर्मल राइस भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इडली राइस 5 ग्लास ली हूँ, एंड उड़द दाल 1 ग्लास ली हूँ, यानी कि राइस एंड उड़द दाल का रेशियो 5:1 है। एंड अब इसमें 2 बड़े चम्मच चना दाल डाल रही हूँ, एंड 2 छोटे चम्मच मेथी दाना डाल रही हूँ। बस ये सारे चीज़ों को पानी डाल के अच्छे से धो के भिगो के रख लेंगे। सो मैं होल नाइट इसको भिगो के रखूँगी, एंड सुबह हम इसको, बस ऐसे ही ढक्कन लगा के मैं साइड में रख लूँगी इसको सोक होने के लिए। सो यस गाइस, मैं दाल चावल रात में ही भिगो के रखी थी, अभी मैं उसको ब्लेंड करके उसका बैटर बनाऊंगी, एंड बैटर बनाने के बाद फिर से इसको 6 से at least 6 hours के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि वो अच्छे से फॉर्मेंटेशन हो जाए एंड हमारा डोसा एकदम क्रिस्प एंड टेस्टी बने। सो यस गाइस, ये है सुबह का टाइम, एंड देखिए कल रात में दाल चावल सब भिगोई थी एंड किस तरह से फूल गया है। एंड अभी इसको एक ब्लेंडिंग जार में भर के थोड़ा पानी डाल के इसको मैं पीस लूँगी,
एंड देखिए सारे चीज़ों को मैं पीस ली हूँ एंड बैटर रेडी हो गया है। इसको मैं ढक के 6 घंटे तक ऐसे ही छोड़ दूँगी ताकि वो अच्छे से फॉर्मेंटेशन हो जाए एंड डोसा हमारा अच्छा बने। सो यस गाइस, डोसा का बैटर बन के रेडी है एंड अभी मैं चारकोल प्रिपेयर करूँगी ताकि हम डोसा बना सकें। सो बैटर को पीसने के बाद मैं 6 घंटे तक और इसको रख ली थी ताकि वो अच्छे से फॉर्मेंटेशन हो जाए एंड अभी हमारा डोसा बैटर एकदम रेडी है डोसा बनाने के लिए। तो ब्लैक डोसा बनाने के लिए हमें चारकोल चाहिए, उसके लिए मैं एक कोकोनट शेल का यूज़ कर रही हूँ। इसको हम गैस चूल्हे पे इस तरह से बर्न करेंगे एंड थोड़ी देर बर्न करने के बाद हम देख सकते हैं कि ये आग पकड़ लेगा। जब ये अच्छी तरह से आग पकड़ लेगा गैस को हम ऑफ कर लेंगे एंड जलता हुआ कोकोनट सेल को एक दूसरी जगह शिफ्ट कर लेंगे। तो मैं कढ़ाई का यूज़ कर रही हूँ, ये कढ़ाई के अंदर मैं डाल दी जलता हुआ कोकोनट सेल को। ये थोड़ी देर जलने के बाद एकदम कोयला जैसे बन जाएगा। जब प्रॉपरली बन के रेडी हो जाएगा, जब देखेंगे हम कि कोयले जैसा टेक्सचर इसका आ गया है, इसमें थोड़ा सा पानी छिड़क के हम इसका आग बुझा देंगे। देखिए एंड अब इसको मैं थोड़ी देर छोड़ दूंगी ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। सो देखिए अभी भी थोड़ा थोड़ा आग है, इसको भी हम पानी डाल के, थोड़ा ज़्यादा पानी नहीं डालना है वरना पीसने के टाइम प्रॉब्लम हो जाएगी। सो देखिए अच्छे से ठंडा हो गया है, अभी इसको मैं एक ब्लेंडिंग जार में भर के ब्लेंड कर लूँगी। सो देखिए अच्छे से मैंने इसको पीस लिया है, अभी इसको एक छन्नी की मदद से इसको मैं छान लूँगी। सो देखिए जो मोटा वाला पार्टिकल ऊपर रह गया है इसको हम फेंक देंगे, ये हमें नहीं चाहिए। एंड ये जो फाइन वाला पार्टिकल है, ये है हमारा एक्टिवेटेड चारकोल। इसको हम बहुत सारे जगह पे यूज़ कर सकते हैं, ब्यूटी इंडस्ट्री में भी इसका बहुत यूज़ होता है, दांतों के व्हाइटनिंग के लिए, स्किन के लिए, बहुत सारे चीज़ों के लिए। सो अभी हम डोसा बनाएंगे, तो ब्लैक डोसा बनाने के लिए मैं 3 चम्मच चारकोल यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, एक कंटेनर में ली हूँ। इसमें डालूँगी सफिशियंट अमाउंट ऑफ वाटर एंड आधा एक नींबू निचोड़ के सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी एंड इसको सेट होने के लिए आधा घंटा से 30 to 40 मिनट्स इसको ऐसे छोड़ देंगे। सो इस तरह से नींबू डालने के बाद चारकोल को एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स रेस्ट के लिए रख लेना होता है। तो जब तक चारकोल हमारा रेस्ट होता है तब तक हम बना लेंगे चटनी। सो बहुत ही एक बेसिक सा चटनी मैं बना रही हूँ एंड ये वाला चटनी मैं काफ़ी टाइम शेयर भी की हूँ बहुत सारे वीडियोस में। सो यहाँ पे मैं थोड़े से मूंगफली रोस्ट कर रही हूँ एंड एक ब्लेंडिंग जार में डाल दूँगी जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। फिर उसी पैन में मैं थोड़ा सा तेल ले रही हूँ, उसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा जीरा। जब तेल गर्म हो जाएगा उसमें डालूँगी थोड़े से जीरा एंड थोड़े से उड़द दाल। इसको हम फ्राई करेंगे। फिर कुछ कली लहसुन के कुछ कलियाँ डाल रही हूँ एंड यहाँ पे मैं 2 हरी मिर्च एंड 2 सूखे लाल मिर्च को तोड़ के डाली हूँ। इन सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई करेंगे। तब तक हमें फ्राई करना है जब तक के हम जो लहसुन लिए हैं वो गोल्डन ब्राउन कलर, हल्का गोल्डन ब्राउन कलर ना हो जाए। सो जब सारी चीज़ें हो जाएगा उसमें आखिर में डालेंगे ऑनियन, प्याज एंड प्याज को भी जब तक इसका कच्चापन चले जाए तब तक हम भुनेंगे, फ्राई करेंगे। एंड छोटा टुकड़ा इमली का मैं यहाँ पे डाल रही हूँ जो हमारे चटनी को थोड़ा सा खटास देगी। सो सारे चीज़ हो गया है, देखिए मैं गैस ऑफ कर ली हूँ। इसको ठंडा होने तक हम वेट करेंगे, जब ठंडा हो जाएगा मूंगफली के साथ इसको मिक्स करके हम पीस लेंगे। सो देखिए पीसने के बाद इसका कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से दिख रहा है एंड आपको जितना थिक चाहिए या फिर पतला चाहिए उस हिसाब से आप पानी डाल के चटनी प्रिपेयर कर सकते हैं
एंड अभी मैं फाइनली इसमें तड़का लगाऊंगी, बहुत ही सिंपल वाला तड़का लगाऊंगी। सो एक तड़का पैन में मैं थोड़ा सा तेल ले रही हूँ एंड इसमें डाल रही हूँ जीरा, सरसों, करी पत्ता, थोड़ा सा हींग एंड एक सूखे लाल मिर्च को तोड़ के डाल रही हूँ। बस इतना ही, ये सब चीज़ों को फ्राई करके मैं चटनी के अंदर डाल दूंगी। सो देखिए चटनी के अंदर मैं डाल ली एंड अभी मैं सॉल्ट नहीं डाली हूँ चटनी में, अभी टाइम है सॉल्ट ऐड करने का। सो स्वाद अनुसार नमक ऐड करके फिर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये चटनी बहुत ही टेस्टी एंड बहुत ही यम्मी बनता है, जितने भी चटनी है ये मेरा सबसे फेवरेट है। सो हमारा चटनी बन के रेडी हो गया है। सो चटनी बन के रेडी हो गया है, चारकोल भी रेडी है, चलिए बनाते हैं ब्लैक डोसा। सो चारकोल को हम रखे थे सेट होने के लिए, अभी 30-40 मिनट्स हो गया है। फिर धीरे से उठा के इसको हम एक, मतलब इसके ऊपर का जो पानी है उसको ड्रेन कर लेंगे। फिर देखेंगे कि नीचे एक पतला वाला चारकोल का लेयर हमें मिलेगा। देखिए नीचे पूरा दब के सारे चारकोल कैसे लेयर बन के रह गया है, ये होता है। इसको हम डालेंगे बैटर के, हमारे डोसा बैटर के अंदर एंड हम बनाएंगे ब्लैक डोसा। सो ब्लैक डोसा का कॉन्सेप्ट यही होता है, इसमें एक्टिवेटेड चारकोल मिलाया जाता है जो कि हमारे बॉडी को डिटॉक्स करता है। सो देखिए मैं यहाँ पे चारकोल डालने के बाद बैटर का रंग कैसे, कलर उसका चेंज हो गया। सो अभी हम बनाएंगे डोसा। सो जैसे नॉर्मल डोसा हम बनाते हैं, एक तवा में थोड़ा सा तेल ग्रीस करके उसमें डोसा मैं बना रही हूँ। सो ब्लैक डोसा बन के रेडी हो गया है। दिस इज ब्लैक डोसा, मैं 3 डोसा बना के लेके आई हूँ एंड ये है चटनी। सो देखते हैं अभी कैसा लगता है, मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ। व्हाइट डोसा देसा इतना टेस्ट नहीं है लेकिन चलेगा। आप तो शादीशुदा हो, ये तो सिंगल लोगों का डोसा है, आपको क्यों अच्छा लगेगा? जो इस ओनली फॉर सिंगल्स, सिंगल्स ब्लैक बैचलर वाला का डोसा है। हम तो फैमिली वाला है, कैसे लगे? यस। तो ये है ब्लैक डोसा एंड चटनी आई मेड फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं अभी टेस्ट करूंगी। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मेरा एक्सप्रेशन नोटिस कर रहे हैं और ऐसे घूर घूर के एकदम देख रहे हैं। क्रिस्पी है, टेस्टी भी अच्छा है, अच्छा लग रहा है, बट व्हाइट डोसा उसका फ्लेवर, उसका टेक्सचर ज्यादा अच्छा है इसे। इसमें थोड़ा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी रहता है, तो बीच बीच में एक दो बार ट्राई करना चलेगा, अच्छा लगता है। सो यस गाइस, ये था, मैं फर्स्ट टाइम बनाई थी ब्लैक डोसा, अच्छा लगा, ठीक है आप भी ट्राई कर सकते हैं। सो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन एवरी टाइम आई अपलोड ए न्यू वीडियो एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज एज वेल, ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई विल सी यू सुपर सून इन माई नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट, डू सब्सक्राइब, बाय बाय, बाय बाय।